क्या बात है, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही है। खुश? मैं तो रोज ऐसे ही होती हूँ। हाँ बाय द वे, रिजवान कहाँ है? मुझे क्यों पता होगा, और कैसे पता होगा? You know something? तुम्हारे अलावा बेकिंग का शौक किसको है? किसको? रिजवान। अच्छा। सीरियसली, तुम दोनों की पसंद बहुत मिलती है, बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। डैड, एक जैसे शौक होने से परफेक्ट मैच तो नहीं बन जाता, और वैसे भी जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। वो शादीशुदा है। So what? आप क्या कर रही हैं? आज बेकिंग का मूड था, इसलिए यहाँ आ गई। वो आरिफ का है? डैड अभी यहाँ ही थे, अपने रूम में गए होंगे। आप बैठे ना, आते होंगे। वो अगर तुम अब उनको फ्रिज में रखोगी ना तो केक अच्छे बनेंगे। अब उनको फ्रिज में? I mean बैटर को अगर तुम फ्रिज में रखोगी ना तो केक अच्छे बनेंगे। अजीब बात है वैसे। क्या? आप जैसा आदमी एक लड़की की प्रेजेंस में इतना कंफ्यूज हो रहा। नहीं, मैं कंफ्यूज तो नहीं हूँ। आप हकीकत पर हमेशा ऐसे ही पर्दा रखते हैं। जिस हकीकत से नुकसान हो उसमें पर्दा रहे तो बेहतर है। अगर वो ही हकीकत खुशी दे सकती हो तो तब भी उस पर पर्दा रखेंगे। मैं खुश हूँ। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या अज़ाब है, अच्छा भला जीत रहा था मैं। ये जनरेटर क्यों नहीं ऑन कर रहे अब तक? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? लाइट आने का इंतजार कर रही हूँ, अंदर दम घुट रहा था। ये रानी कहाँ है, मुझे मिल ही नहीं रही। तो तुम यूं करो ना कि जाओ नीचे जाकर देख लो। जाओ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। अभी? जी, अगर अभी बात नहीं की तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। ऐसी क्या बात? मुझे यकीन दिलाना है आपको अपनी मोहब्बत का। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे यकीन दिलाए ना कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, दिलाए ना यकीन। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मोहब्बत कई तरह की होती है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। मोहब्बत के सिर्फ एक ही मायने होते हैं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। जो तुम मुझसे मोहब्बत मांग रही हो उसी कोई गुंजाइश नहीं। जिंदगी में नहीं तो दिल में तो गुंजाइश है ना। दिल? तुम मेरा दिल देख सकती हो? मेरे दिल में क्या है? सवाल ना पूछो तो बेहतर है। आपका दिल देखकर ही तो सवाल पूछा। आप खुद अपने दिल से वाकिफ नहीं है। मैं आपको आपका दिल दिखाना चाह रही हूँ। मुझे माफ करना फलक, लेकिन अब तुम अपने असली मकाम तक पहुंच चुके वाओ, ये ड्रेस कितना प्यारा है ना। अगर मैं पहनती तो कितनी लवली लगती। रानी। जी सर। हाँ, फलक है घर पे? जी सर, वो अंदर बच्चों के रूम में है। आप चले जाएं। ठीक। रानी। जी। एक काम करो, फलक को कहो कि मैं उससे मिलने आया। जी सर। थैंक यू। मैम, निशा सर आए हैं आपसे मिलने के लिए। तुमने उसे बताया तो नहीं कि मैं घर पे हूँ? मैम, मैंने तो बता दिया कि आप रूम में हैं। चलो कोई नहीं, उसे कहो कि मैं सो रही हूँ। कहा ना मैं सोई हुई हूँ। जी ठीक है। कैसे हो? वो मैं फलक से मिलने आया था। सर वो मैम सो रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत नहीं ठीक? मैं उससे फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। क्या हुआ? सर वो निशा बेबी की वजह से ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो गई हैं। ओके। हेलो। कैसी तबीयत आपकी? और मैं? तो आप कैसी हो? ठीक। हैप्पी? आपने मेडिसिन नहीं? हाँ, मम्मा ने पिलाई थी। ओके। और लंच किया था? हाँ, बहुत पहले। सर, खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, खाना लगाने की जरूरत नहीं है अभी, मुझे वापस ऑफिस जाना है। ठीक। आप अभी तो आए थे, यू आर गोइंग बैक? I'm sorry, but I have to go. A very important meeting, but I'll be back home soon. Okay, beta. Bye. आरिफ, आरिफ, अब ये फाइल देंगे वो बाहर चले गए, बाहर गए जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। शाखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान। अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तो ना हम खुश रहेंगे ना दुनिया। इसीलिए सिर्फ वो करना चाहिए जिससे दिल को सुकून मिले। सोचने से हासिल आशना कोई नहीं, एक अजनबी के डर से। मैं जानता हूं तुम उसे जल्दी माफ कर दो, बल्कि हो सकता है शायद उसने अब तक तुमसे माफी भी मांग ली हो। What? नहीं मांगी माफी उसने? छोड़ो रिजवान, मैं सोचता था कि शायद उसे तुम्हारा बहुत ख्याल है, लेकिन अब बात उसकी ईगो पर आ गई है ना। नहीं मांगेगी माफी। तुम ऐसी औरतों को नहीं जानते, गलती भी करती हैं और फिर वो चाहती हैं कि उनका शौहर उनके कदमों में गिड़गिड़ाए। नहीं आरिफ, फलक ऐसी नहीं है। मैं बहुत रूड हो गया था उससे, मेरा लहजा बहुत सख्त हो गया था। सख्त हो गया था? वो प्लीज यार, ऐसे लग रहा था जैसे तुम उसे प्यार से समझा रहे। रिजवान, इतनी आसानी से मत मारने लगे, वरना ये औरतें सर पर चढ़ जाती हैं, नौकर बनाकर रखेंगी। तो नौकर अरे यार बहुत देर हो गई, मैं काम पे भी जा रहा हूं। खुद को मत रोके, मैं दोनों तरफ से बहुत मजबूर हूं। रोजाना इसी कश्मकश से गुजरता हूं। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। मैं आपसे कभी उस बात की उम्मीद नहीं कर सकती जो आप खुद ना चाहते हो। मैं आपको मजबूर नहीं कर रही, लेकिन आप अपने आप को रोक कर मुझ पर और खुद पर इतना जुल्म ना करें। जानता हूं, सब जानता हूं, मैं भी इसी मुश्किल मरहले से गुजर रहा हूं, शायद तुम भी गुजर रही हो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, शायद ये सब गलत है। यही सोचकर हो जाता हूँ। और आप बताइए, ये जो जज्बात होते हैं इसकी जंग में पता ही नहीं लगता क्या सही है क्या गलत। मंशा, मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए भी मुश्किल है। जितना आपने अपने आप को रोका मैंने भी रोका था, लेकिन रोशनी से मुंह फेर लेने के बाद भी खुद का साया उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता। और ये तो आग की रोशनी, इसकी तपिश से कोई नहीं बच सकता। सॉरी, रियली सॉरी, तुझे मैं बहुत रूड हो गया था, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। नो, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। चलो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाते। तुम प्लीज मुझसे ज़्यादा बात करना बंद ना किया करो, मुझे हमारे बीच में खामोशी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। सॉरी, अंदर ख्याल रखूंगा। हमेशा यही कहते हो। क्या करूं, आदत हो गई, बिगाड़ दिया तुमने मुझे। जो सुधारना भी आता था। कभी सोचा भी नहीं था कि इस चेहरे की मोहब्बत समेट कर मैं किसी और को दे दूंगा। सब कुछ वैसा ही का वैसा है, मगर वो फीलिंग्स नहीं है। अगर मैं चाहूं भी तो बावजूद शर्मिंदगी के पैदा नहीं कर सकता। क्या हुआ? क्या मैं अपनी खूबसूरत बीवी को देख भी नहीं सकता? देख सकते, जितना चाहे देख सकते हैं, लेकिन क्या आज आपको ऑफिस नहीं जाना? क्यों? क्योंकि आज के दिन अगर मैं ऑफिस गया तो जाचन मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। संडे है आज। ओह, तो भूल ही गई, आज संडे है। कहाँ जा रही? रेशना वो काम पे निकली, मेरी तो छुट्टी नहीं है। तुम 2 दिन से थकी हुई हो, आराम करो। अब तक समझ नहीं पाई तुम, कोई चांस मिस नहीं करते मुझे सरप्राइज करने। तुम्हारे चेहरे पे खुशी बरकरार रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता। डैड, आपका बैग ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं रहे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये काम तुम खुद करो। और ऊपर से तुमने ये बेसुरा म्यूजिक लगाया। नो डैड, ये बेसुरा म्यूजिक नहीं है। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम खुश हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खुश हो, कोई खास वजह? वो नो डैड, देयर इज नो रीजन। यू श्योर? Yes, sure. डैड, अगर आप बुरा ना मनाए, मैं अपना रूम ठीक कर लूं? हाँ, कैरी ऑन। पता नहीं कैसे तुम ये लो क्लास किस्म के काम कर लेते हो। हेलो गाइस। हेलो। है? रिजवान, तुम किसी मीटिंग के सिलसिले में जर्मनी जाने वाले हो। काफी बड़ी डील्स होंगी यार। मैं सोच रहा था कि अगर तुम अपने साथ मंशा को ले जाओ तो उसके करियर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी यार, अगर तुम चले गए ना पीछे, वो बहुत बोर हो। व्हाट डू यू से? अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। हाँ, वो तो खैर ऑब्वियसली जब होगी तभी ना। अगर फ्री में लेके जा रहे हो तो फिर मुझे भी ले चलो। घूमने फिरने का मुझे भी बड़ा शौक है। तुम यहीं रहोगे? तुम चले गए तो फलक का ध्यान कौन रखेगा? मेरा मतलब है कि वो बहुत बिजी होती है, तुम उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? हाँ, इस दफा रिजवान और मंशा को जाने दो। व्हाट डू यू से रिजवान? हाँ फलक, आपको सर से इतनी मोहब्बत क्यों है? I'm sorry, नहीं पूछना चाहिए था। नो, इट्स ओके। तुम कभी भी मुझसे कुछ भी बिना झिझक पूछ सकती हो, मुझे कोई बात नहीं है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। क्या मतलब? आई बिलीव मोहब्बत होने की कोई वजह नहीं है। अगर मोहब्बत करने की कोई वजह हो जाए तो इसका मतलब है कि मोहब्बत खत्म होने की भी कोई वजह पैदा हो जाएगी। मोहब्बत रीजंस की मोहताज नहीं होती। मतलब मुझे रिजवान से मोहब्बत क्यों है और इस हद तक क्यों है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, आपका तो है। क्या हुआ, बहुत फिलॉसफी झाड़ दी ना मैंने? नहीं, मैं सोच रही थी। इसका मतलब है कि आप बिलीव करती हैं कि इंसान को कभी भी किसी से भी मोहब्बत हो सकती है और इसको ना करने के रीजंस याद नहीं रहते। लेकिन अगर किसी के नसीब में ना हो और वो किसी और का चुरा ले तो मोहब्बत एक बहुत पाक चीज है मंशा। तुम कभी उसे चुरा नहीं सकती। अगर तुमने कभी बेईमानी की तो हो सकता है वो तुम्हारी कभी ना हो पाए और इस बात का खौफ तुम्हें कभी चैन से सोने भी नहीं देखा। एनीवेज, काफी रात हो गई है। गुड नाइट। मोहब्बत एक बहुत पाक चीज है मंशा। तुम कभी उसे चुरा नहीं सकती। अगर तुमने कभी बेईमानी की तो हो सकता है वो तुम्हारी कभी ना हो पाए और इस बात का खौफ तुम्हें कभी चैन से सोने भी नहीं शायद तासीर की मोहब्बत का रूप सिर्फ फलक के लिए ही बना है और सिर्फ इसी पर जचता है। फिर बजा लो। अभी तक तैयार नहीं हुई? रिजवान बाहर वेट कर रहा है तुम्हारा। ऑफिस नहीं आना तुमने? नहीं डैड, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही। क्यों? डैड मेरी तबीयत नहीं ठीक आज। तबीयत नहीं ठीक? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? यू लुक परफेक्टली फाइन। डैड मुझे सर में बहुत दर्द है और कल रात मैं ठीक से सोई भी नहीं और अब मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, यकीन करें। अच्छा तुम कम से कम रिजवान को बता तो देती कि ऑफिस नहीं जाओ। ओह गॉड डैड, ये स्कूल तो नहीं है ना कि मैं हर छोटी छोटी चीज पर परमिशन लूं टीचर से कि मैं छुट्टी कर सकती हूँ या नहीं। कम ऑन डैड। तुम्हें कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए था। क्या हो गया तुम्हें? क्यों अजीब वाली जिंदगी को धक्का रही हो तुम? किस्मत बार बार हॉर्न नहीं देगी। आ रहा हूँ। हाय डैड, आप कब आए? तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है डैड। रिजवान का फोन आया था तुम्हारे लिए, खैरियत मालूम करना चाह रहा था, काफी फिक्र है उसे तुम्हारी। होगी डैड, मैं क्या करूं? What's wrong with you? रिजवान जैसा इंसान तुम्हारी फिक्र कर रहा है और तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। क्यों मैं परवाह करूं डैड? हम एक ही घर में रहते हैं, साथ ऑफिस जाते हैं। अगर उन्होंने मेरी तबीयत पूछ ली, इसमें इतनी बड़ी बात क्या होगी? साफ नजर आ रहा है कि ही इज इंटरेस्टेड यू। तुम अपना नुकसान खुद कर रहे। देखो मंशा, तुम्हें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आप अपॉर्चुनिटी का नहीं, किसी की फैमिली को बर्बाद करने का मशवरा दे रहे हैं। मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं सर और फलक के बीच में नहीं आना चाहती। डैड वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और वैसे भी मैं सोच रही हूँ मैं कुछ दिनों के लिए कनाडा चली जाऊँ। क्या?